सियावर रामचंद्र शंकर हरियो उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास की जय पूज्य सुरेश महाराज की जय त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षीय मामृता प्रमोद सुरेश के पद कमल हृदय लगाऊं ध्यान मात पिता गोपाल सहित संभल दो हे मेरे राम श्री राम श्री राम श्री राम और रामायण के अननुरागी श्रोता वृंद मंच पर आसीन गुरुदेव स्वरूप विद्वान निर्णायकगण अतिथि पंक्ति में बैठे हुए सभी आदरणीय जन सुमधुर कंठ के ध्वनि सुमधुर कंठ के धारक आदरणीय भाई योगेश किरण जी मानस प्रचार समिति से जुड़े हुए सम्माननीय समस्त राम भक्तों के श्री चरण में राम श्री मानस पथिक ग्राम कोटगांव विकास खंड कुरुत जिला धमतरी के इन बालकों का प्रणाम स्वीकार्य हो। संगीत है शक्ति स्वर की हर स्वर में बसे हैं राम रागी जो सुनाए रागिनी रोगी को मिले आराम। संगीत की सुंदरतम प्रस्तुति पश्चात चलेंगे राम कथा की ओर। सारे गा पदा नी दा पा गेरे गा मा गेरे गा सारे गा पा गेरे सानी रे सानी पानी रे मा पा धा पा गेरे मा गेरे सारे नी धारे सा है आँख वो है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे बेकार वो मुख है बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे एक पंक्ति मैंने अभी आपके समक्ष कही हीरे मोती से नहीं शोभा हाथों को। आखिर भगवान ने हमको जो कान दिए हैं हमको जो हाथ दिए हैं इनकी उपयोगिता और इनकी सदुपयोगिता किसमें है? क्या हम कान में आभूषणों के साथ इनकी सुंदरता बढ़ाएं कि अपने हाथ की अंगुलियों में हीरे मोती की अंगूठी पहन करके इनकी शोभा बढ़ाएं?
किसी ने बहुत सुंदर बात कही, किसी के हाथ में हीरा, हीरा बहुत ही अनमोल और बहुमूल्य रत्न है। किसी के कान में हीरा, लेकिन एक भक्त की दृष्टि हमें हीरों से क्या मतलब, हमारा राम है हीरा। और जो वास्तव में राम जी को हीरा मानते हैं, कृपया ताली का जोरदार समर्थन आप दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे 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 लगन हो लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गए मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गए मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गए मगन वो तो गली 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 हर गुण गाने लगी महलों में पली कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी हो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी महलों में पली राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया मीरा सागर में सरिता समाने लगी सानी धनी धा पधा पम पम गम गर गर सारे निधनी पनिसा राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया मीरा सागर में सरिता समाने लगी दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी
ओ तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। महलों में पली पनके जोगन चली, 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 पनके जोगन चली रे, पनके जोगन चली, पनके जोगन चली रे, बन के जोगन चले, बन के जोगन चले, बन के जोगन चले, बन के जोगन चले, ओ बन के जोगन चले, 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 जोगन चली, बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, सियावर राम चंद्र की जय, बोले सियावर राम चंद्र की जय, सिया राम मैं जानी सभी का, करता हूँ पद बंदन दया करो अब दीन जान कर, हे गिरिजा के नंदन, तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, जसु गावा सिया राम के हनुमत हो सहाय, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, सियापति राम चंद्र की जय। मानस प्रेमी उपस्थित सज्जन बंधुओं, माताओं एवं बहनों, मुझसे जो त्रुटि होगी इन त्रुटियों के लिए मैं संत समाज से क्षमा प्रार्थी हूँ। न जाने कितने समय का पुण्य इकट्ठा हो गया था, जो पुण्य इकट्ठा हो जाने के फलस्वरूप आज यहाँ संत समाज में हरि कथा कहने व सुनने का पावन मौका मिला है, और हम तो उन समस्त भक्त जनों के आभारी हैं कि जिनके माध्यम से यह पावन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, भैया हो दाई हो। आप सब ले बात मालूम है कि आज तक जे अपन जीवन में मानस के लकीर पिरोलिस अपन जीवन में उतार लिस और अस्तम रेंगे तो वोकर जीवन समर गए मंगलमय हो गए, और रामायण पढ़े के बाद सुने के बाद भी अपन जीवन में उतारे के आंशिक प्रयास नहीं करन तब वोकर जीवन मंगलमय नहीं वरन कष्टमय हो जाते। आओ हमर जीवन काल के जो क्षण गुजर गए बीती ताई बिसार दे अब आगे की सुझ ले, हमर जीवन काल के जो श्वास निकल गए अब जो श्वास शेष है एमा मानस के लकीर अपन जीवन में पिरोए के प्रयास करन। प्रस्तुत प्रसंग उत्तरकांड, उत्तरकांड दोहा क्रमांक 36 3 से 9 9 हाँ सबसे बड़े पूर्णांक के ओकल बड़े होते थे 10 1 और 0 है। तो ऐसे सबले बड़े अंक वाला प्रसंग मिले है और एकर चिंतन मोर द्वारा होना संभव नहीं है, यद्यपि संचालक महोदय बहुत ओकर बूताच सराहना करना कहनो को बढ़िया है बढ़िया है कही के भले कही दिस, बात ठीक है मैं 19 वर्ष पूर्व आए रहे हूँ, लेकिन आप सब मालूम है अंधियार रथे तो प्रकाश का बात है
जब तक के रवि के किरण विकसित नहीं हो जाए तब तक के अंधकार दूर नहीं हो जाए। आज पुनः 19 वर्ष के बाद में वो किरण विकसित हुई से तो संत समाज के मूल दर्शन करे के मौका मिले है। मोला सब आशीर्वाद प्रदान करो। अब जिया थो तेकर सेती यहाँ के संत समाज मन के दर्शन करे के मोल मौका मिले है। मोर नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। चलते चलते मैं एक बात कही पा रहे हूं कि मानस के लकीर ये जीवन उतारना चाहिए। कोनो पूछ बैठी कैसे उतारना चाहिए वो मानस के लकीर ला। बाबा जी लिखिन प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। एक प्रकार से ये लकीर ना मोर अभियान समझना चाहिए। हर मंच में कहा था निवेदन पूर्वक कि भगवान राम सूत के उठे बंदाई दादा गुरु महाराज के पांव पड़े और हम मन ल चाहिए वो के काम ला निपटा डरन तो एक लकीर रामायण याद हो गए। अब वो एक लकीर रामायण हम कोनो पूछबो कतका रामायण याद है यार, कोनो कहीं 50 लकीर, कोनो 100 लकीर, कोनो सातों कांड याद है कही। ठीक याद है कि हम नहीं बने भैया जब तक के हम जीवन में नहीं उतार लेबो। तो भगवान राम अपन दाई दादा गुरु महाराज के पांव पर हम मन करबो तो एक लकीर रामायण याद हो। अगर एक साल में भी एक लकीर याद कर ले सन दूसरा साल में दूसरा लकीर होते का एम आत्म कल्याण समाज कल्याण बल्कि विश्व कल्याण निहित है ये एक लकीर याद करे में। अतेक बार समाज में खचाखच से बैठे हैं भाई मन, मैं निवेदन करो विशेष करके नव युवक साथी मन से निवेदन करो कि कौन कौन अपन माँ बाप के पांव पर थे टूट उठ के। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद अपने माँ बाप के चरणारविंद में सवेरे से प्रणाम करने वालों के लिए। जरा जोरों के साथ ताली बजाएंगे भैया, हम सम्मान करते हैं। एकरे सेठी ये रामायण टीके है, वसुंधरा टीके है, पृथ्वी टीके है, ऐसने क्रियाकलाप वाला जब तक के हावे दाई मन के बड़ा सारे उपाय। सादर सास ससुर पति पूजा और नारी धर्म यही सम नहीं दूजा। आदर पूर्वक सास ससुर की सेवा करना, पति देवता के चरणारविंद में नमन करना। मोल मालूम है हम मल पूछैया है इसे कहा तो ही कोई बात नहीं, हाथ नहीं उठा कोई बात नहीं, मान लो प्रणाम नहीं करे तो शुरू कर दो ये तहन मोर अभियान में शामिल हो गयो। रामायण पढ़े पर आए हैं तेकर सार्थकता ही है। जे माँ बहन माँ अपन सास ससुर के पति देव के चरणारविंद नमन नहीं करे वो नमन करना शुरू कर दो। आइए मिले प्रसंग उत्तरकांड दोह क्रमांक 36। नाथ न मोहि संदेह कछु सपने शोक न मोह केवल कृपा तुम्हारे ही कृपा नंद संदोह लखन सिया राम चंद्र की जय। सब बात अच्छा है यहाँ, खाना पीना स्वागत सम्मान सब अच्छा है, परंतु एक ठन मोल गड़बड़ लागत है। वो गड़बड़ का आप सब समझ गए हो, जय घोष के कमी। जय घोष ईमानदारी से करना चाहिए तब राम दरबार में उपस्थिति दर्ज होते। बोलिए सियावर राम चंद्र की जय। प्रसंग से आप भिज्ञ हो, बड़ा विचित्र प्रसंग आएगा। ये विद्वान मन के द्वारा बुद्धिजीवी मन के द्वारा लिखे गए हैं, प्रतियोगिता मंच में प्रसंग दिए गए हैं। का मैं आपसे निवेदन करूं, चुनाव अभी अभी हो है। मान लो पहली मंत्री रहीस, कटको मंत्री हार गए हैं, मंत्री रहीस चुनाव हरा गए, चुनाव लड़े टक रहा है, दूसरा चुनाव टिकट नहीं मिली तो चुनाव लड़े का आदत है तो वार्ड पंच पर फार्म भर दिस और वार्ड पंच के चुनाव लो जीत दिस तब वो मंत्री होशियारी का विशेषता है का हो। मैं पूछता हूं मंत्री कोई विशेषता नहीं है लेकिन कैसे कर बे भैया कुर्सी में बैठे टकरा है तेकर से वार्ड पंच सही। आओ मेरे प्रभु राम के तरफ देखो, भगवान राम है कौन? अरे वो तो 3 लोग 14 भुवन के नियंता हैं जी, ब्रह्म राम यहां बन गए राजा राम।
मंत्री रही पहली पंच बनीस, ब्रह्म राम हा राजा राम बन गए। अब ये राजा राम जब बनीस तो होइस का पावर है वो करनी जाए, भगवान चाहे कौनो रूप धारण करिस, कच्छ मच्छ नरसिंह बावन परशुराम रूप धरी, लेकिन हर में वो चिन्हौच रहीस, बिल्कुल चिन्हौ रहीस। हाँ, चाहे वो कच्छ बने, मच्छ बने, नरसिंह बने, परशुराम बने, ये है राजा राम बन गए। और राजा राम बनिस से काए लीला के तहत, या वो नर लीला करे बरा है, राजा राम बन गए। तो राजा राम के दर्शनार्थ एक से एक संत महापुरुष मन रोज आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये मन आए, नारद जी आए, भगवान के दर्शन करे, भगवान के मुखारविंद से सुनी हुई वाणी जाके वह ब्रह्मा कर बताए। ब्रह्मा नारद लो बैठ 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 पूनी पूनी कहू औ बताना काका देखे सुने, काका देखे सुने, भगवान का गोठिये ऐसे बार बार पूछे, ये वो राम। अब रोज संध्या फुलवाड़ी में जाए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग में हनुमंत लाल जी महाराज, तब ये ब्रह्म ऋषि देव ऋषि दर्शन करके जब चल दी, तत्पश्चात भरत जी हा हनुमान जी डहल देखिस, भरत जी है हनुमान जी डहल देखिस, और हनुमान है राम डहल देखिस। देखिए ये देखई भूमिका, देखई के भूमिका ते कुछ कुछ मत का आंख है सब कुछ बता देते कि प्रेमास्पद चर्चा है तोर बीच में, तोर मोर बीच में होइया है का नहीं होइया है, कटता है मधुरता है का है ये ला। हनुमान जी भगवान राम डहल देखिस, राम कहे का बात है हनुमंत लाल महाराज, हनुमंत लाल जी हनुमान जी कहते महाराज नाथ भरत कछु पूछन चाही, महाराज प्रश्न करत मन सकुचत आही। भरत जी कुछ पूछना चाहते महाराज, लेकिन कैसे पूछो कैसे प्रश्न करो ऐसे कही के संकुचित है कथे। भगवान राम हनुमान जी कथे तुम जानो कभी मोर स्वभाव, हे हनुमान ते मोर स्वभाव जाना छस, बड़ा संघर्षप्रद घटना आगे हु बेरम में भरत के याद करें। आप ला मालूम है राक्षस राज अहिरावण जब हरण करके ले गए राम और लक्ष्मण ला पाताल लोक में, कामदा देवी में बलिदान देवर खड़ा कर दीस, ओकर चापलूस मन कथे अहिरावण मारे बर धलिस, कामदा देवी में बलिद हुए मल राजकुमार मन ला कही के, अहिरावण के चापलूस मन कहते नहीं महाराज नहीं, कैसे ऐसे कर सब मारे बार तो मारबे, अंतिम ख्वाहिश का है पूछ ले एक भाखा। हनुमान जी वहां देवी बन के रहा, कामदा देवी नीचे ढकेल दे रहा है, स्वयं देवी बन के बैठ गए रहा है, अपन नेत्र के द्वारा भगवान राम के उपस्थिति दर्द करी कि प्रभु में आ चुके हूँ। लक्ष्मण नहीं जाने, लक्ष्मण ने पूछी तो अंतिम लालसा का है, बोले मोला हनुमान से मिला दे। राम ने पूछी तो बोले मोर भाई भरत से मिला दे, गवाही कौन है देवी के रूपधारी हनुमान, तो तुम जानो हो कभी मोर स्वभाव सपने और भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ, हाँ भरत में मोर में कोई फर्क नहीं है, काबर भेद भेद समझते का काबर नहीं पूछे, पूछ का पूछने है। भरत जी पूछे नाथन मोहि संदेह कछु, सपने उन मोह केवल कृपा तुम्हारी, हे नाथ तोर कृपा से मोर पर न मोला संदेह है न शोक है मोह है भाव। अरे भरत जीला न संदेह है न शोक है न मोह है, एकर ये अभिप्राय नहीं है कि औ कौनो नहीं हुई राम के ऊपर संदेह, या राम राज्य में कोनो दुख तो नहीं हुई सो ही, राम के प्रति कोनो मोह होइस तो नहीं होइस। भरत जी कहते नहीं महाराज मोला नहीं है, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह है कृपा सागर, आपके कृपा से मोला संदेह नहीं है। एक भजन के साथ चलबो कि संदेह कौन लो थी, बोल सियावर रामचंद्र की जय। लागा चुनरी में दाग
छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, गोरे बदन सी ओरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, गोरे बदन सी ओरी चुनरिया, हाँ जाके बाबुल से घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन पिता के, हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन पिता के, हो गई मैं ससुराल में आके, हाँ जाके बाबुल से घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। तोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, तोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, ओ दुनिया मोर बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा, चुनरी में दाग। आ तना न दे देता दाम दे ना दे, तना न दे देता धूम तेरे ना दे, तना न दे देता धूम तेरे ना, सप्त सुरन तीन ग्राम बंसी दादा किरदा, दादा किरदा चरण धरण धरण पाग परत नहीं परत, झाझर झन के झन न न न न, दादी दीदी तन न तन न न न न, दादी दीदी तन न तम तम तेरे ना दे, तन न दे दे तम तुम तेरे ना दे, तन न दे दे तम। Nadir dir 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 na na dir na 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 dir na 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 dir na 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 dir dum 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 na dir 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 dum dir 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 na dir 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 dum dir 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 dum 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 dir tam tere na de tan na de tam tum tere na de tan na de tam de tam
दे दे दा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी बोले, नाथ न मोहि संदेह कछु। लोगन कहे बरधल्ली हनुमान, भरत जी ला सचमुच में संदेह नहीं है, लेकिन राम के प्रति ऐसे कौनो संदेह होइस कि नहीं होइस। भैया विश्वामित्र जी हेलो राम और लक्ष्मण ला मांग के ले गए रही से, परंतु भीतरी मोकर संदेह कटे नहीं रही से। जब ताड़कल मार दिस एक ही बाण प्राण हर दीन्हा, दीन जान ते ही निज पद दीन्हा, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हा। तब वह चिन्ही संदेह विश्वामित्र के दूर हो गए कि सचमुच में पार ब्रह्म परमात्मा। तब विद्या निधि क्या विद्या निधि, विद्या निधान ला रंग रंग के आयुध के बाण समर्पित कर दी, धनुष बाण जो भी होकर कर रही से अस्त्र शस्त्र दे दी। ये विश्वामित्र जी हो आगे चल के देखन परशुराम जी, परशुराम जी ला दे रही से धनुष भगवान विष्णु। हाँ एल ते धरे रहा अब मैं आहू तब एल चला हूं जान डार बे आगे कही के मोर मोर ले पहली कोरो नहीं चला सके कही के। तो बार 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 वो इशारा करे परशुराम जी लक्ष्मण हाँ वृथा धरो धनुबान कुठारा, और तोर तो बात है अड़बड़ ज्यादा है, धनु डाल इंगित करे एला काबर धरे होबे, एला काबर धरे होबे, ये धनुष के देवैया है आगे है कि कोई इशारा करे। आहा नहीं हो सकी अंततः हो इसका, राम रमापति कर धनु लेहु और खेचहु मोर मिटे संदेहु। जब धनुष ल चढ़ा दिस तब एकर संदेह दूर होइस, जाना राम प्रभाव तब राम के प्रभाव जानिस एकर संदेह दूर हो गए। मैं आपसे निवेदन करूं, देवता मन के राजा इंद्र और इंद्र के बेटा जयंत, जयंत ल बड़ा भारी संदेह हो गए, या ये कौन है काबर छिटक रही पुनो पुनो उजियारी, चहिन सिनारी जयंता केरी, अवाई संग संगले सखिन घनेरी, मन भावत बर मांग सिधाई, यह तुझे कटू जयंत हो पाई। जयंत ल खबर नहीं रहा, तब वो का करी सूर्यपति सूत्र धरी वायस वैसा कौआ बन गए। पता लगा लगी सागर के राम कौन है, कृपा सिंधु है, वो कृपा सिंधु के थाह लगाए बार, अरे बड़े जनी कहीं बनना रही से चाटी बन गए, चाटी बराबर भगवान के बल के सामने जयंत के बल सीटी के बराबर हो। तब भगवान का करी अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर ने, तासन आए कि न चलू मुंह रख जाओ गुन गे, यद्यपि बोल जान समेत मार देना रही से अतक दंड करी, लेकिन जुर्म जुर्म करे परंतु एक नयन करी तजा भवानी। भगवान शंकर माता पार्वती के थे ओकर में द्वैत बुद्धि रही तेल अद्वैत बना दिस पार्वती के थे। बोले महाराज सजा दिस ते पुरस्कार दिस, यह अद्वैत बना दिस कथा के माध्यम से कथन एक आखिर फोड़ दिस, अरे द्वैत को अद्वैत बना दिया, संदेह तब दूर हो मोर भैया। सुग्रीव संदेह हो देखो गा, ये पहाड़ में तो बाली श्राप के कारण नहीं आए, लेकिन मोल मारे बार कौनो सुपारी दे दे का मोल मारे बार कौनो भेज दे का। जब हनुमान जी लानीस कंधम बैठार के लानीस, मित्रता बना दी करा दी, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति जिढ़ाई, प्रेम स्थापित कर दी कौन सूर्यवंशी राम से, सूर्य पुत्र सुग्रीव ला मिलाने वाला कौन है एक संत। एकर संदेह दूर हो गए भैया, का कहे जाए रावण ला संदेह रही, ये शायद पृथ्वी भार ला हरण करे बर आए हो ही नारायण है का रहा ले ले पचा लगा ले लें कछे पचा लगा ले लें, मैं ओकर पत्नी का हरण करके लान हूं, तब वो जान ही समझ में आई वो कोने थे हा, अंततः वो समझ नहीं पाई ओकर संदेह आखिरी तक के रही गए। तो मैं निवेदन करूं नाथ न मोहि संदेह कछु, मोला संदेह नहीं है। अशोक सपने शोक, भरत जी कहते सपन में शोक नहीं हो, लेकिन औरों को बोले औरों को हुआ। राम राजा बन के बैठ गए, ब्रह्म राम राजपुत्र राजपुत्र बन के राजा राम बन के बैठ गए, कटको झन लाए अड़बड़ दुख हो गएगा अड़बड़ दुख हो गए। पूरी प्रकाश रहे उती हूं लोका, बहुतन के मन अतन बहु शोका, और जिनते शोक सो कहे बखानी, प्रथम अविद्या निशा नशानी
अविद्या खत्म हो गए और अघवलूक जहां तहां लुकाने काम क्रोध करौ सकुचाने मत सर मान मोह मद चोरा और इनकर हुनर न कौने ओरा तो सपने शोक ये मल्ला शोक हो भरत जी कहते मोला शोक नहीं हो महाराज और मोह मोह के बारे में तो बड़ा गजब बात लिखी है मानसकार है आओ एक भजन के साथ चलबो मोह के बारे में चिंतन करबो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय मत खायो इनमें प्रभु दर्श की काजल लगे कर कराय और सुरमा सहाना जाय इन नैनन में प्रभु बसे तो दूजा कौन समय बोलो ओ मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना ओ मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई गे छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई गे छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई गे नैना मिलाई गे पल पल जाओ तोरे रंग रेजबा पल पल जाओ तोरे रंग रेजबा तोरे रंग रेजबा तोरे रंग तोरे रंग रे जवा अपनी सी रंग दी रे मोसे नैना मिलाई गे छाप तिलक सब छी रे मोसे नैना मिलाई गे
हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बैया गोरी गोरी बैया गोरी गोरी बैया गोरी गोरी बैया अपनी सी कर दी नीरे मोसना मिलाई काप तिलक सब छी नीरे मोसना मिलाई अमीर खुसरो खुसरो जाम की पली पली जई है 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 लाली मेरे लाली देखन में चली मैं भी हो गई खुसरों जाम की बली बली जई हाजी बली बली जई हा बली बली जई हा बली बली जई हा मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाएंगे काप तिलक सब छी बाल लीला में मोह कौन लो होइस बोले भूषण जी महाराज ला ओकर बाद में होछे विवाह लीला में कौन लो मोह होइस जनकपुर में अवधपुर में सजावट है एला देखिस हरित मनीन के पत्र फल पदुम राग के फूल और रचना देख विचित्र अति मन विरंच के भूल ब्रह्मल मोह हो गए ओकर बाद होइस वन लीला मापला मालूम है सतील मोह हो गए तत्पश्चात होते रण लीला और रण लीला में देखिस खरब निशाचर बांधे नाग पांच सो राम पक्षीराज जरूर मोह हो गए मैं अगर नाग पांच नहीं काटते सांझ सब मर जा रहे थे भगवान ने कहा रहे हो धोखा खा गये कथित देखिए ए मोह और राजलीला में मोह कौन लो थे गुरुदेव वशिष्ठ लहोगे सकल ये मानुष कर्म तुम्हारे यहा पिताजी मोल बोले रही से कि ये खानदान में ते पुरोहिती कर्म कर नारायण के साक्षात्कार हुई भगवान तोल मिल ही किस तब ते भगवान और तैसे लाग थे किस भगवान राम मुस्कुरा दिस वशिष्ठ जी रो पड़ी मोर जीवन बेकार चल दिस ऐसे कही के तो मैं निवेदन करे ये पांच लीला में पांच हल्ला मोह होइस और भरत जी कहते मोला मोह नहीं है महाराज केवल तोर कृपा से सचमुच में ऐसे तो जीव के ऊपर भगवान की कृपा शुरू से है कि कब हूँ कि करी करुणा नर देही देत ईद बिन हेत सने ही हमार ऊपर कृपा है लेकिन जेकर ऊपर कृपा है ओकर ओला संदेह नहीं हो शोक नहीं हो मोह नहीं हो आओ एक भजन के साथ चलन बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय जैसे सूरज की गर्मी से चलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया सूरज की गर्मी से चलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है शीतल बनी आग चंदन के जैसे
राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी, उजियारी पूनम हो जाए राते, उजियारी पूनम हो जाए राते, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी, युग युग से प्यासी भूमि में जैसे सावन का संदेश पाया।